Hello friends, please subscribe to our channel Foster Academy and press the bell icon for the notification of upcoming videos. Hello friends, welcome to your YouTube channel Foster Academy. I am Amit Kumar Swami. आज हम बात करेंगे ऐसे पांच बेसिक रीजंस के बारे में जिनकी वजह से लोगों का सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाता. सबसे पहला मेन रीजन है कि आप 350 से 400 पेज की एक सिंपली बुक खरीद लेते हैं और ये सोचते हैं कि इसको क्लियर करने के बाद मेरा सीटेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा. अगर ये मिथ अगर आपके जहन में है तो उसको प्लीज़ निकाल दीजिए. क्यों? क्योंकि जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया है ये एक साथ तो दे सकती है कि हाँ इसको देख के आपको पैटर्न पता पड़ जाएगा और साथ के साथ और बुक्स को भी लेना पड़ेगा. लेकिन अगर सिर्फ आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ इस बुक को पढ़ने के बाद आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा तो बहुत भ्रम में है. क्यों? क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने सिर्फ ये बुक पढ़ी है लेकिन उन्होंने रेगुलर आपका अपना बीएड या डाइट उन्होंने रेगुलर किया है. उन्होंने वहाँ पर 2 साल ढंग से स्टडी किया, उनको रेगुलर गए हैं तो उनको उनका पहले से ही उनका इतना ज्ञान है कि उन्होंने क्या पढ़ रखा है. लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर नहीं जा पाए किसी न किसी वजह से, जिन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस से किया है, मतलब सिर्फ एग्ज़ाम देने गए हैं, ठीक है, तो उनको ढंग से स्टडी करनी पड़ेगी. यहाँ पर बहुत बड़ी ये बात है कि उनको उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो साफ बात है. ठीक, दूसरा मेन कारण है कि आप जो स्कूल्स की बुक है जो पेपर वन दे रहे हैं वो प्राइमरी बुक्स जो है और जो पेपर सेकंड दे रहे हैं वो अपर प्राइमरी की बुक्स हैं, उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हमने बाहर से इतना पढ़ रखा है, कोचिंग लगा रखा है, हम उनको क्यों पढ़ें, हमें नोट्स अवेलेबल हैं, हम क्यों पढ़ें. देखिए ये बात ध्यान रखिए कि पीआरटी की बुक्स हुई या फिर अपर प्राइमरी बुक्स हुई वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. ये बात मैं नहीं कह रहा, आपको सब बता रहे होंगे. देखिए आपको लग रहा होगा कि उनको पढ़ने में कि ये तो स्टोरी टाइप है, ये सब तो हमको पता है, तीसरी क्लास के बच्चों की बुक अगर हमें नहीं पता होगी तो हमारा यहाँ ना इतनी ये 12th पास की है, डाइट किया है, बहुतों ने ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स की है मगर फिर भी क्वालिफाई नहीं हो पाया. उसका मेन रीज़न है कि आप उनको एटलीस्ट पढ़ लीजिए, आपने नज़रों से निकाल दीजिए, घोट डालिए. ठीक, थर्ड रीज़न है कि बहुत से लोग, ये बात मैंने बहुतों को देखी है कि वो लोग एज्यूम कर लेते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी दो सब्जेक्ट को वो एक ही समझ लेते हैं. बाल विकास और शिक्षा शास्त्र दोनों अलग सब्जेक्ट हैं. देखिए सीटेट में आपका जो पहला पोर्शन आता है जो बाल विकास है वो आपका 30 मार्क्स का आता है और हर सब्जेक्ट में चाहे वो मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, ईडीएस हुआ, हर किसी में पेडागॉजी आती है 15 मार्क्स की. तो शिक्षा शास्त्र है, जाहिर सी बात आपको पता है कि उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाया जाना है वो उसके बारे में क्वेश्चंस है, वो अलग टॉपिक है. और आपका चाइल्ड डेवलपमेंट के बच्चे का विकास कैसे होता है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, क्या चीज़ें, उस वो पोर्शन आपका अलग रहा. तो दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, उनको एक ना समझें, ठीक है, और बाल विकास की तैयारी ढंग से करें और सब्जेक्ट की भी तैयारी ढंग से करें. ठीक है, पहले ये जहन में से बिल्कुल निकाल दीजिए कि वो चीज़ दोनों सेम है. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि आजकल कोचिंग सेंटर्स में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि बहुत भीड़ लगी पड़ी है और ऐसे ऐसे कोचिंग सेंटर्स देखे मैंने जहाँ पर SSC के क्वेश्चंस को CTET के बच्चों के लिए करवाया जा रहा है. मतलब इररिलेवेंट सब्जेक्ट, आपको जब इररिलेवेंट सब्जेक्ट और सिलेबस पढ़ाया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप सही डायरेक्शन में जाएंगे. जो पढ़ना है वो पढ़ाया नहीं जा रहा, जो नहीं पढ़ना है वो आपको बर्डन की तरह दे दिया जाता है और आप सोचते हैं कि इतना ज़्यादा हम कैसे कवर कर पाएंगे. तो जाहिर सी बात है इससे ही बच्चे बहुत होपलेस हो जाते हैं. और लास्ट पॉइंट फिफ्थ, जो बच्चे एक बार या दो बार
दे चुके हैं और इनका सी टेट क्वालिफाई नहीं हो पाया है, वो लोग होप छोड़ देते हैं। मेरे बहुत से ऐसे जानने वाले हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, सी टेट का दो बार दिया है, तीन तीन बार दिया मगर क्वालिफाई नहीं हो पाया और उन्होंने वो होप छोड़ दिया। हाँ, इसके बाद वीडियो पूरी सुन लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं लास्ट टाइम का डाटा बताता हूँ। देखिए, जो लास्ट टाइम का डाटा है कि दो, ठीक है ना, 232,442 बच्चों ने पेपर फर्स्ट का फॉर्म फिल किया था, जिसमें से 193,005 बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे और पास कितने हुए, पास हुए कुल 26,638, मतलब सिर्फ 13.8% पासिंग परसेंटेज है, 13.8। सेकंड, जो पेपर टू दिया गया था उसमें 4,74,513 बच्चों ने फॉर्म फिल किया, 386,085 बच्चे एग्ज़ाम देने गए और 42,928 बच्चों ने वो एग्ज़ाम पास किया। मतलब पेपर टू सिर्फ 11.12, मतलब 11.12% बच्चों ने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, ठीक। इसमें भी एससी, एसटी और ओबीसी, ठीक है, जाहिर सी बात है जो जनरल कैटेगरी है, ठीक है, उनका पासिंग परसेंटेज ज़्यादा है एससी, एसटी और ओबीसी की कंपैरिजन में, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे को कोई भी इस चीज़ को कोई अलग से कर कहने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ जो डाटा है मैं सिर्फ उसको शो कर रहा हूँ आपको, ठीक है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।